अस्सलाम वालेकुम क्रिएटिव पीपल, आप देख रहे हैं क्रिएटिव क्रिएशंस। व्यूअर्स, आज क्रिएटिव क्रिएशंस में मैं आपको सिखाने वाली हूँ ये काज करने का तरीका, ये हम काज किस तरह से बनाएंगे और ये पाँव का इस्तेमाल कैसे होगा, ये पाँव ये मूव करता है, इसका क्या काम है और ये जो निशान बने हुए हैं ये किस लिए होते हैं और हम काज कैसे करेंगे। व्यूअर्स, अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इधर सब्सक्राइब बटन पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो है वीडियोस बनाती हूँ सिंगर सिलाई मशीन के ऊपर, कि सिंगर की जो ये एडवांस मशीन है इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं पाकिस्तान में जो अवेलेबल है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये है काज वाला पाँव, हम इसको इस्तेमाल करके कैसे काज बना सकते हैं, हम इसको कैसे लगाएंगे इस मशीन में, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं और ये जो इस तरह ये मूव हो रहा है इसका मकसद क्या है। तो इसकी ये जो बी वाली साइड है इसका मतलब है बैक, यानी ये पीछे वाली साइड पे जाएगा और आगे से जो है ये फ्रंट को आएगा, यानी ये इस तरह फिक्स होने वाला है इस मशीन में। बी वाला जो बी लिखा हुआ है वो बैक पे जाएगा और ये जो नोक सी बनी हुई है कॉर्नर ट्रायंगल टाइप ये आगे की तरफ आएगा। इसको लगाने के लिए सबसे पहले हमें इस पाँव को उठाना है ऊपर। आपको जो ये नज़र आ रहा है एक बना हुआ, इसको हमने प्रेस करना है आगे की तरफ। हम प्रेस करेंगे तो आप देखें ये कैसे बाहर आ जाता है, ये उतर गया अब इससे, ये उतर आया, इसको हमने उतार कर साइड पर रख लिया है। अब मैं ये वाला पाँव लगाने लगी हूँ। इसको लगाने के लिए मैं इसको ऐसे रखूँगी और जिधर मुझे लगेगा कि ये सेट हो जाएगा उधर मैं इसको नीचे की तरफ प्रेस करूँगी। तो ये खुद ही देख लें कितने आराम से फिक्स हो गया। अच्छा, तो इसके व्यूअर्स मूव करने का मकसद ये है कि जब हम इसको आगे और पीछे यूँ मूव करवा सकते हैं, इसका मकसद ये है कि हमें कांच का साइज़ कितना बड़ा और कितना छोटा चाहिए। अगर हमारा बटन मिसाल के तौर पर इतना बड़ा है, सर्दियों में जो हम कोट वगैरह पहनते हैं उनके बटन काफ़ी बड़े होते हैं, तो उसके लिए हम फुल साइज़ कांच करेंगे, फिर एक ये साइज़ है, फिर एक ये साइज़ है, फिर एक ये साइज़ है, फिर एक ये साइज़ है और फिर एक सबसे छोटा ये साइज़ है। इस पे ये जो लाइंस बनी हुई हैं इन लाइंस का मतलब कांच के साइज़ हैं, ये सबसे फुल साइज़ है कांच का। अब आपको जितना कांच बनाना है आप उतना बना सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले कांच बनाना स्टार्ट करते हैं फुल साइज़ से। जी व्यूअर्स, जब हमने काज बनाना है ना तो काज के लिए हमें इस मशीन ने ऑटोमेटिकली जो है ना बताया हुआ है कि हम कैसे काज बना सकते हैं। अगर हम इसको गौर से देखें तो ये यहाँ हल्का सा छोटा सा काज बना हुआ है और हम इन डिज़ाइंस को भी देखें तो हमें पता चलता है कि ये काज का ही कुछ इन्होंने बताया हुआ है। तो काज के लिए हमें टांका चाहिए होता है एक और ज़ीरो के दरमियान, ये वाला हमें काज के लिए जो है ना टांका चाहिए, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर ये काज का निशान बनाया हुआ है, ये देख लें। और इधर हमें काज के लिए इन्होंने नंबरिंग दी हुई है कि हमने कब कहाँ क्या लाकर काज सही तरीके से बनाना है। जब हमने वन पर लेकर आनी है तो हमने सिलाई लगानी है। चलें वन पर लाकर सिलाई लगाते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब हम इसको ले जाएंगे टू पर। ये हमने टू पे रख के ना तो ज़्यादा से चलाना है, ठीक है ना, ताकि यहाँ से ये पक्का हो जाए का जब हम कट करें तो ये बाहर निकले ना। फिर हम इसको ले जाएंगे थ्री पर। अब हम थ्री की सिलाई लगाएंगे। ये हमारी थ्री की सिलाई जा रही है और लास्ट में मैं इसको ले जाऊंगी फोर पर। ये देखें व्यूवर्स, ये हमारा काज बन के रेडी हो गया। ये पीछे से भी देख लें या आगे से भी देख लें, ठीक है जी। अब मैं आपको इसका एक और साइज़ बना के दिखाऊंगी। इसको थोड़ा सा मैं कपड़े को आगे ले जाती हूँ और इसको मैं थोड़ा सा इससे छोटा कर लेती हूँ। अब मैं आपको थोड़ा छोटा साइज़ बना के दिखाऊँगी।
तरीका वही है 1, 2, 3, 4 और बखिया वहीं का वहीं रहेगा। ये 1 स्टेप हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट मैं अगला इससे भी छोटा आपको बना के दिखाती हूँ। 1, 2, 3, 4 और अब मैं लास्ट में सबसे छोटा साइज आपको बना के दिखाती हूँ। कुछ छोटे बटन्स भी तो होते हैं ना, उनका साइज 1, 2, 3 व्यूवर्स, तो ये हमारे बना लिए हैं मैंने 1, 2, 3 और 4। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये आजकल जो नॉर्मल जेंट्स पे यूज़ होता है ये वो है, और ये बिल्कुल छोटे छोटे बटन्स होते हैं कई दफ़ा उनके लिए। इसके अलावा भी आप अपने हिसाब से जितना आपको साइज़ चाहिए ना, आप उस हिसाब से इसको रखें। ये जो निशान होते हैं ना, ये साइज़ के लिए होते हैं, आप इन निशानों को यूज़ करें, इनसे साइज़ जो आपको चाहिए वो बना लें और ये काज बनाएं। अच्छा व्यूवर्स, अब ये काज तो बन गए लेकिन ये तो ओपन नहीं है। इनको ओपन करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ये पुर्जा। मैंने जब आपको मशीन की अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाई थी तो उसमें हमें ये पुर्जा जो है इस मशीन के साथ मिला था। इस पुर्जे का काम क्या है? इसके साथ ये छोटा सा ब्रश होता है, जो हम कोई वेलवेट टाइप कपड़ा सिए तो हमारे इधर शटल में उसके छोटे छोटे बारीक से जो है ना कपड़े के धागे टाइप, उसको कपड़े की रुई भी कहते हैं, वो फंस जाती है, ठीक है ना। आप जो भी उसको कहते हैं, मैं तो बहरहाल उसको कहती हूँ वो कपड़े की रुई होती है। वो कपड़े को सील सी के ना उसमें से बारीक बारीक से निकलते हैं, डस्ट टाइप होते हैं, तो साफ़ करने के लिए ये यूज़ होता है। और ये खुलता है, खुलता है और इसके अंदर है ये ऐसा सा ब्लेड, ये देखें, ये इस तरह का ब्लेड होता है इसके अंदर। तो ये ब्लेड किस काम का है जी? ये काम आता है कि हम इसको पकड़ के, तो यहाँ से ऐसे, ये इसको हमने ऐसे इस नोक से जो है ना प्रेस करना है अंदर को, और फिर ऐसे कट लगा देना है। फिर ये ऐसे प्रेस किया और कट लगा दिया, प्रेस किया और कट लगा दिया, हाँ जी। तो ये हमने इससे लगा लिए कट। अब देखें, ये हमारा काज जो है वो खुल गया, ये काज जो है हमारा खुल गया, ये काज जो है हमारा, ये देख लें बीच में खुल गया, और ये वाला काज भी जो है हमारा खुल गया। ये बो ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर से ये गुजार के, ये देखें गुजर गया ना, इसका मतलब है ये सुराख हो गया हुआ। ये बहुत छोटा है ना इसलिए पता नहीं चल रहा, ये सब के सुराख हो गए। तो ये है इसका यूज़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पुर्जा है। ओके व्यूवर्स, ये बन गए हमारे सारे काज। आपने देखा कि हमने ये काज बनाए, कैसे बनाए, किस तरीके से बनाए हैं, ठीक है जी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। मेरी वीडियो देखकर कोई हेल्प फील की है, जो आपने मदद फील किया, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो से क्या जो है ना वो सीखने को मिला है। और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।